नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राणा कुंभा की शौर्य गाथा की कहानी सुनेंगे। इतिहास के पन्नों को पलट दिया जाए तो अनगिनत युद्धों को अंजाम दिया गया। हर युद्ध के साथ सत्ता की कमान बदली, राजा बदले और राज्य का प्रारूप भी बदल गया। इन युद्धों में से एक युद्ध है नागौर का, जिसमें एक राजा के वचन और उसे निभाने की कहानी। इस युद्ध में पीठ में चूरा घोंपने की कहानी, तो अपने पराक्रम के आगे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले राणा कुंभा के साहस की कहानी। तो चलिए जानते हैं नागौर के युद्ध के बारे में, जिसमें राणा कुंभा ने जीत हासिल की। नागौर की लड़ाई से पहले दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के महाराजा राणा कुंभा के रिश्तों के बारे में जानना जरूरी। इस युद्ध से उनके पराक्रम का पता लगाया जा सकता है। सन 1442 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ छोड़ और हैरोती में घुसपैठ की। मेवाड़ की असुचिता देखकर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी राणा से बदला लेने के लिए बहुत आतुर था। सन 1440 में मिली हार को मैं अब तक नहीं भूल पाया। माड़वगढ़ के युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ में घुसपैठ की। ये युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं। इस युद्ध के कुछ समय बाद महमूद ने एक बार फिर अपनी सेना जुटाई। 4 साल बाद महमूद ने 1446 में अपनी सेना के साथ मांडलगढ़ से गुजर रहा था। इसी दौरान राणा कुंभा ने उसकी सेना के ऊपर हमला कर दिया। जब उन्होंने उन पर हमला किया, उस दौरान सुल्तान बनास नदी पर पार कर रहा था। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के हाथों करारी शख्स के हमले का सामना करने में वह असफल हो गया। उस युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। वह मूड में पीछे हट गया। नागौर के शासक सुल्तान फिरोज खान की सन 1453-54 के आसपास मृत्यु हो गई। वह दिल्ली सल्तनत के अंदर नागौर प्रोविंस का गवर्नर था, लेकिन बाद में इसने दिल्ली सल्तनत से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सुल्तान फिरोज के 2 बेटे थे। उनकी मृत्यु के बाद दोनों के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई होने लगी। उनके बेटे बड़े का नाम शम्स खान था और छोटे का नाम मुहाजिद खान। पिता की मौत के बाद मुहाजिद खान ने सत्ता हथियाने चाहिए। उसके पास शम्स खान की उपेक्षा से ज्यादा सेना थी, लिहाजा उसने अपने भाई के ऊपर हमला बोला और उसे हरा दिया। इस प्रकार उसने सत्ता हथिया ली। अपनी हार से दुखी और आक्रोशित शम्स खान राणा कुंभा के पास गया। उसने राणा से अपनी मदद करने की गुहार लगाई। उसने अपने लिए मेवाड़ में आश्रय देने की विनती। इसके साथ ही अपने भाई मुहाजिद से वापिस सत्ता हथियाने में उसकी मदद करने को। राणा कुंभा ने शम्स की मदद करने के लिए हाँ कर दी। बता दें, उसके मन में पहले से ही नागपुर को अपने कब्जे में लेने का प्लान था। ऐसे में शम्स की मदद करने के लिए राजी हो। उन्होंने इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए शम्स खान को सत्ता पर बैठने के लिए तो हाँ कह दी, मगर इसके साथ एक शर्त। उनकी शर्त के मुताबिक शम्स भले ही नागौर की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन राणा कुंभा का प्रभु बना रहेगा। साथ ही उसे नागौर में किले के एक लड़ाई के स्थान को नष्ट कर। शम्स ने राणा की शर्त को मान ली। इस तरह राणा ने उसे नागौर की सत्ता हथियाने में मदद की। राणा कुंभा अपनी विशाल सेना के साथ नागौर पर हमला करने के लिए निकले। उनकी सेना के सामने मुहाजिद खान की सेना टिक न सकी। इस युद्ध में उसे बहुत कड़ाई शिकस्त का सामना करना। नौबत यहां तक आ गई कि मुहाजिद को नागौर छोड़कर भागना पड़ा। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नागौर से भागने में कामयाब हुआ। मैं भागकर गुजरात सल्तनत चला गया। नागौर में अपनी जीत दर्ज करने के बाद राणा ने शम्स खान को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपनी शर्त पूरी करने को कहा। शर्त के मुताबिक शम्स खान को किले में मौजूद एक लड़ाई के स्थान को खत्म करना था, लेकिन शम्स ने राणा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वैसे अभी ध्वस्त नहीं करने, क्योंकि क्या पता उनके जाने के बाद उन पर एक बार फिर हमला हो जाए। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हुए किले की नहीं तोड़ने की विनती की। साथ ही उसने राणा कुंभा से वादा किया कि वह स्वयं इसे क्षेत्र को ध्वस्त कर दे। एक बार उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, ऐसे में राणा उनकी इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उन्होंने उसकी बात भी मानी। इसके बाद वह वापस मेवाड़ के लिए लौट गए। अभी राणा कुंभा मेवाड़ भी नहीं पहुंच पाए थे। बीच रास्ते में ही क्यों ने एक चौंका देने वाली सूचना प्राप्त।
दरअसल उन्हें पता चलता है कि शम्स खान किले को तोड़ना तो दूर बल्कि और भी अधिक किले बनाने में लगे। वह अब पहले से भी अधिक किलाबंदी करने लगा था, वह चारों तरफ घेराबंदी करने लगा था। इस खबर को सुनते ही राणा आग बबूला हो गए। इस तरह वह एक बार फिर मैदान जंग में कूद पड़े। इस बार भी उनकी सेना के सामने शम्स खान के छक्के छूट गए। उन्होंने शम्स खान को नागौर से बाहर निकाल दिया। अपनी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने सारे किला ध्वस्त करा। शम्स खान अपनी हार के बाद दुम दबाकर अहमदाबाद भाग गए। वह अपने साथ अपनी बेटी को भी ले गए। गुजरात सल्तनत की सेना को एक क्रूर हार का सामना करने उन्हें मुकाबले में हरा दिया गया। राणा कुंभा ने शम्स खान का खजाना लिया। उसके भंडार में मौजूद सारी कीमती सामान जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि। इसके अलावा वह अपने साथ किले में लगे दरवाजों को भी ले गए। साथ ही नागौर पर मौजूद हनुमान जी की तस्वीर को भी अपने साथ ले। हनुमान जी की तस्वीर को उन्होंने कुंभलगढ़ के किले पर लगाया। उन्होंने किले के मुख्य द्वार पर हनुमान जी को स्थापित किया। इस जगह को हनुमान पोल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह इस युद्ध के साथ ही राणा कुंभा का नाम इतिहास के एक साहसी राजा के तौर पर दर्ज हो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।